हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल बाय येजी। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ट्रेंडिंग हाई लो कुर्ती बनाना बताऊंगी। ये कुर्ती आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुर्ती के बॉटम के लिए मैंने 1.5 मीटर रेयन फैब्रिक लिया है, ये देखिए, और टॉप पार्ट के लिए 1/2 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक, प्रिंटेड है ये फैब्रिक, और टॉप पार्ट की लाइनिंग के लिए 1/2 मीटर शैंटून फैब्रिक लिया है। आप कॉटन या और कोई फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं लाइनिंग के लिए। सबसे पहले हमें लाइनिंग फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है, ये देखिए 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे, तो शोल्डर यहाँ मैंने 5.5 इंच भी मार्क किया है और सेम आर्म होल भी हम 5.5 इंच भी मार्क कर लेंगे और इन दोनों मार्किंग्स को आपस में जॉइंट कर लेंगे। यहाँ से भी लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे, ये देखिए स्ट्रेट हो गई है। यहाँ से बॉडीज की लेंथ लेंगे, तो बॉडीज की लेंथ यहाँ मैंने 12.5 इंच ली है। यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो चेस्ट के लिए मैंने यहाँ 8 इंच पे मार्क किया है, ये देखिए 8 इंच पे मार्क कर लिया है। और यहाँ वेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो वेस्ट के लिए मैंने यहाँ 7.5 इंच पे मार्क किया है। और अब इन दोनों मार्किंग्स को जॉइंट कर लेंगे और यहाँ से 2 इंच की लूजिंग की भी मार्किंग कर लेंगे, ये देखिए कर ली है। अब यहाँ नेक की मार्किंग करेंगे, तो नेक की विड्थ यहाँ मैंने 2.5 इंच मार्क की है और बैक और फ्रंट नेक दोनों की डेप्थ यहाँ 3.5 इंच रखेंगे। और अब इन निशानों को आपस में जॉइंट करके राउंड नेक का शेप दे देंगे। यहाँ से आर्म होल का शेप भी ड्रॉ कर देंगे, ये हमारा बैक आर्म होल है और ये फ्रंट आर्म होल है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, ये मैंने कट कर लिया है और ये अब हमारा फ्रंट आर्म होल कट करने के लिए हम फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से अलग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है और ये फ्रंट। अब हम फ्रंट पार्ट का आर्म होल कट करेंगे, ये देखिए मैंने इसको सेंटर से फोल्ड कर लिया है और अब हम इसकी फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये मैंने कट कर दिया है। अब ये हमने लाइनिंग फैब्रिक को मेन फैब्रिक पे रख दिया है और लाइनिंग फैब्रिक की हेल्प से मेन फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। ये मैंने दोनों पार्ट्स कट कर दिए हैं, तो अब हम मेन फैब्रिक की जो राइट साइड है उस पे लाइनिंग फैब्रिक को रखा हुआ है और दोनों फैब्रिक को ज्वाइंट करते हुए नेक पे 1 स्टिचिंग लगानी है। इस तरह से नेक को 1 टाइम स्टिच कर दिया है। जब हम इसको टर्न करेंगे तो हमारा लाइनिंग फैब्रिक नीचे की साइड चला जाएगा और हमारा मेन फैब्रिक की राइट साइड ऊपर की तरफ आ जाएगी। दोनों पार्ट्स को सेम टर्न कर देंगे, ये देखिए इस तरह। अगेन हमें दोनों नेक पे एक और स्टिचिंग लगा देनी है, तो यहाँ हमने एक और स्टिचिंग लगा के नेक की फिनिशिंग कंप्लीट कर दी है। अब हमें दोनों पार्ट्स के शोल्डर और साइड में से स्टिच कर लेना है, जो भी आपकी मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हमें फिटिंग लगा देनी है। फिटिंग लगा के मैंने इसे राइट साइड टर्न कर लिया है, ये देखिए। अब बॉटम की कटिंग करेंगे, तो बॉटम यहाँ मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ हम लेंथ मार्क करेंगे, तो यहाँ हम सर्कुलर मोशन में मार्क करते हुए 26 इंच की लेंथ मार्क करेंगे। तो यहाँ हमें छोटी छोटी मार्किंग कर लेनी है और फिर इन मार्किंग को जॉइंट करते हुए एक सर्कल बना लेना है, ये देखिए मैंने बना लिया है। और अब इसकी कटिंग करेंगे, ये मैंने कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे, तो यहाँ हमें एक सर्कल मिल जाएगा। तो अब हमें सर्कल पे ऊपर एक तरफ से 4 इंच का मार्क करेंगे, दोनों साइड से कर लेंगे। अब यहाँ से हमें 4 इंच के मार्किंग पे इसे पकड़ लेना है और इसे पकड़ते हुए इसके अगेन से 4 फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। बेसिकली इस ड्रेस का बैक पार्ट जो है वो हाई रहेगा और फ्रंट पार्ट लो रहेगा, तो ये हाई लो है, इसलिए मैंने 4 इंच का फैब्रिक पीछे की तरफ से ज़्यादा निकालते हुए इसको अगेन से 4 फोल्ड कर लिया है। तो अब हमें अपनी वेस्ट की मार्क कर लेना है, तो जो हमने बॉडीज़ है उसकी अकॉर्डिंगली हम इसकी वेस्ट की मेजरमेंट कर लेंगे। तो हमें बॉडीज़ को 4 फोल्ड करते हुए रख लेना है, उसके अकॉर्डिंगली हमने इस पर मार्किंग कर ली है। तो मार्किंग करने के बाद इसकी लेंथ 7 इंच आई है। अब इसके वेस्ट को हम स्ट्रेट मार्क करेंगे,
तो अब हमें 4-4 इंच की वेस्ट मार्क करेंगे, क्योंकि जब हम इसको कट करेंगे सर्कुलर मोशन में तो ये और भी ज़्यादा लूज़ हो जाएगी, इसलिए हम ओनली 4-4 इंच का मार्क करते हुए वेस्ट राउंड कट कर देंगे। तो अब हम फ्रंट पार्ट के लिए शेप दे देनी है। फ्रंट पार्ट के लिए हम लेंथ मार्क करेंगे 14 इंच। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली कितने भी लेंथ रख सकते हो, तो आपको इस तरह से हाइलो की शेप दे देनी है फ्रंट पार्ट में। अब हम इसको 2-फोल्ड ओपन करेंगे। ये देखिए, हमने 2-फोल्ड ओपन कर लिया है और जो हमने फ्रंट पार्ट पे हाइलो शेप बनाया था उसे सही करके इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इसको मैंने स्ट्रेट सही कर लिया है। ये देखिए, 14 इंच आ रहा है। अब इसको कट करेंगे। 2-फोल्ड करके हम इसलिए कट कर रहे हैं ताकि हमारा बैक पार्ट कट ना हो और ये हाइलो ड्रेस बने। ये देखिए, मैंने कट कर लिया है और अब हम इसके सारे कोनों में छोटे छोटे कट दे देंगे। ये देखिए, मैंने सारे कोनों में कट दे दिया है और अब इसे कट से फोल्ड करते हुए रखेंगे और बॉडीज को इसमें जॉइंट कर लेंगे। ये मैंने जॉइंट कर ली है और बॉटम में नीचे से भी फोल्ड करते हुए पीको कर ली है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने पेपर का पैटर्न बनाया हुआ था पहले से ही। अब मेन फैब्रिक लेंगे और इस पैटर्न को मेन फैब्रिक पे रखते हुए कट कर देंगे। अगर आपको इस स्लीव्स का पैटर्न जानना है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम स्लीव की स्टिचिंग करेंगे। तो स्लीव के बॉटम में ज्वाइंट करने के लिए ये मैंने फैब्रिक लिया था। इसकी विड्थ जो है हमारी 4 इंच है और लेंथ जो हमने इसके लिए 13 इंच। तो अब हम इसको बॉटम में जॉइंट करेंगे। तो हमने पीछे के साइड स्लीव को फोल्ड करते हुए रखा है और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इस फैब्रिक को हमने अपने स्लीव पे जॉइंट कर लिया है, ये देखिए। और अब हम इसे फ्रंट की तरफ टर्न करते हुए इस पे भी दोबारा स्टिचिंग लगा देंगे। ये देखिए, स्टिचिंग लगा दी है मैंने। और अब दूसरी स्लीव्स के बॉटम को भी हम इसी तरीके से बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए, मैंने बना के रेडी कर ली है। और अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो इनके बॉटम में रह गया है उसको भी कट कर लेंगे। ये मैंने कट कर लिया है और अब ऊपर से हम इसके डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ से हमें पहले प्लीट्स डालनी है ऊपर की साइड। एक साइड से प्लीट्स डाल लेंगे हम। ये देखिए, हमने एक साइड से ऊपर की तरफ प्लीट डालते हुए रेडी कर ली है। अब दूसरी साइड से भी हम ऊपर की तरफ प्लीट्स डालते हुए रेडी कर लेंगे। छोटी छोटी प्लीट्स डालेंगे, देखिए इस तरह से ऊपर की साइड ही डालनी है हमें। ये देखिए, ऊपर की साइड प्लीट्स डालते हुए हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए, हमारी एक स्लीव्स बनके रेडी हो चुकी है। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स पे भी प्लीट्स डाल लेंगे। ये देखिए, हमने दूसरी स्लीव्स पे भी प्लीट्स डाल ली है। अब हम अपनी बॉडीज लेंगे और दोनों स्लीव्स को अब हम अपनी बॉडीज में स्टिच कर लेंगे और ड्रेस कंप्लीट कर लेंगे। फाइनली आप देख सकते हो, हमने दोनों ही स्लीव्स को बॉडीज पे स्टिच कर दिया है। साथ ही गाइज, मैंने इसके लिए बेल्ट रेडी की है। तो मैंने बॉटम के बचे हुए फैब्रिक से जॉइंट लगाते हुए इस बेल्ट को स्टिच कर दिया है और इसकी विड्थ जो है 1.5 इंच है और लेंथ जो है 1.5 मीटर है। तो गाइज, अगर आपको हैंडमेड बेल्ट पसंद नहीं आई है, आप रेडीमेड बेल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगेगी इस पे। तो इसके साथ ही हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है और ये हमारी ड्रेस का फाइनल लुक है। तो गाइज, अगर आपको हमारी ये ड्रेस पसंद आई हो और आपको और ऐसी ही हाई लो ड्रेस की वीडियो चाहिए हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं।